दोस्तों नमस्कार, आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ए है कोलकाता, बी मद्रास, सी मुंबई, डी इलाहाबाद। इन चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक का जो सही आंसर है वो है मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसका पहला अधिवेशन हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में एओ हुम ने की थी, जो अंग्रेज अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय शुरुआत में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादाभाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला तो मुंबई था, लेकिन सेकेंड नंबर का जो अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में वो कहाँ हुआ था। तो आपको एक ट्रिक बताई थी, बक मई। क्या थी? बक मई। पहला बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ऐसे ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर दो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे कैनिंग, डलहौजी, डफरीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी, उस समय डफरीन थे, वो क्या थे? भारतीय वायसराय थे। क्या उत्तर होगा? सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर दो का। क्वेश्चन नंबर तीन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्जी उल्ले। ए बी सी डी में से बताना है किसने दूसरे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो तीन है उसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी ने दूसरे जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की थी, और प्रथम की डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी ने, और चौथे की जॉर्जियोले ने। बदरुद्दीन तैयब जी थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जॉर्जियोले थे वो प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में, और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर चार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ए सी मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से सही आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो सरोजनी नायडू थी वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर होगा एनी बेसेंट। क्या होगा? बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पाँच नंबर का, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कोलकाता अधिवेशन, कर्नाटक अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। ए बी सी में से सही आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी में से। क्वेश्चन नंबर पाँच का सही आंसर होगा ए, 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लखनऊ समझौता किनकी अध्यक्षता में और कब हुआ था? सरोजनी नायडू 1925, ए सी अंबिका चरण मजूमदार 1916, एनी बेसेंट 1917, लाला लाजपत राय 1920। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ समझौता था वो ए सी मजूमदार 1916 में हुआ था। ए सी मजूमदार ने क्या की थी? अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, और लखनऊ समझौता में हुआ था उसी के तहत गर्म दल और नरम दल एक हुए थे। एनी बेसेंट इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर सेवन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव और कानपुर। तो महात्मा गांधी ने जो 1924 में अध्यक्षता की थी वो बेलगांव अधिवेशन की थी और एक बार ही अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो बेलगांव होगा। क्या? बेलगांव। सी जो आंसर है वो सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादाभाई नौरंजी, जीके गोखले, SN बनर्जी। तो निम्नलिखित में से दो दल थे कांग्रेस के, एक गरम दल और नरम दल। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे। तो आपको बताना है कि गरम दल से संबंधित इन चारों में से कौन सा नेता था जो गरम दल से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है अरविंद घोष थे, वो गरम दल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 9 ABCD में से कौन सा सही होगा? शेर ए पंजाब के नाम से पंजाब के लाला लाजपत राय क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1908 थी उसमें 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। किस उग्रवादी नेता थे कि उनको सजा दी गई थी 1908 में? उग्रवादी मतलब गरम दल से संबंधित। तो विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो ये चारों ही गरम दल से संबंधित थे और सजा दी गई थी वो दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। और इनको सजा दी गई थी केसरी में जो इनके द्वारा प्रकाशित लेख थे उनके कारण इनको सजा दी गई थी 1908 में। रिहा किया गया था 1914 में, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें क्या किया गया था? 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज है, नाम है अभिनव भारत, का गठन किया था किसने? किया था खुदीराम बोस ने, VD सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11 ABCD में से सही आंसर सजेशन करना है। तो इसका अभिनव भारत का जो गठन किया था वो किया था VD सावरकर ने, 1904 में किया था और नासिक में किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही आंसर होगा बी, VD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सी, चंद्रशेखर द्वारा क्या की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन की गई 1928 में, दिल्ली के फिरोज शाह में इसका गठन किया गया था। तो 12 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, खुदीराम बोस। ABCD में से सही आंसर कौन सा होगा? स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के जो शहीद थे वो खुदीराम बोस थे, उन्हें मात्र 19 वर्ष से कम आयु में ही फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो डी है, खुदीराम बोस क्या थे? सबसे कम आयु के शहीद थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, 1905 में लंदन में प्रारंभ किया था। उसके बाद 1916 में होम रूल एनी बेसेंट ने भी स्थापित की और बाल गंगाधर तिलक ने भी। अब आप बता सकते हो कहाँ कहाँ किया, और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या था, एनी बेसेंट का प्रचार किया था वो क्या था,
इनके बारे में आप विस्तार से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का सही आंसर होगा वो श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, भगत सिंह, बरकतुल्ला, लाला लाजपत राय। ए बी सी डी में से सही आंसर का सजेशन करना है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया, लाला लाजपत राय, बरकतुल्ला खां, भगत सिंह और लाला हरदयाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? जो बंग भंग आंदोलन था उसका प्रारंभ कब हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, 7 नवंबर 1905। तो बंग भंग जो आंदोलन हुआ था वो 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ था। सही आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर निरूपित 18 महीने की सख्त कार्रवाई का दंड आदेश, लाला लाजपत राय द्वारा तथा अजीत सिंह द्वारा गिरफ्तारी व निर्वासन, चापेकर बंदों को दंड की सजा सुनाया जाना। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में जो कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरंजी। तो ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका सही आंसर आपको सजेशन करना है कि 1906 में जो कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरंजी ने। डी है वो आंसर सही होगा। दादाभाई नौरंजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ए है दादाभाई नौरंजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रमेश चंद्र बनर्जी, डी सर सैयद अहमद खान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, दादाभाई नौरंजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों जो गरमदल से संबंधित थे, नरमदल से सॉरी, और उग्रवादी जो गरमदल से, दो भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कोलकाता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। ए बी सी डी में से सही आंसर कौन सा होगा आप सजेशन कर सकते हो, तो बताना। इसका सही आंसर होगा ए, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के जो गरमदल और नरमदल दोनों अलग हुए थे, राज बिहारी बोस को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था, जो नरमदल से संबंधित थे, और गरमदल थे के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण सॉरी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 थे गरम दल से संबंधित थे, ये बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को क्या अध्यक्ष। तो इस बात से नाराज हो कि सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ए। आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना, और कोई भी किसी प्रकार की शंका हो तो नीचे पूछ सकते हो। धन्यवाद।